हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द पीएनटी कोचिंग क्लासेस, लर्न इजीली एंड स्मार्टली। तो आज हम पढ़ने वाले हैं मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। ओके, तो जैसे कि स्टूडेंट्स पिछले वीडियो में हमने देखे थे कि गैल्वेनोमीटर दो टाइप के होते हैं, एक होता है मूविंग मैग्नेटिक गैल्वेनोमीटर एंड सेकेंड होता है मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। तो आज हम वहाँ पर फोकस करेंगे सिर्फ और सिर्फ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर में। हालांकि इसके भी दो टाइप होते हैं, एक होता है सस्पेंडेड कॉइल टाइप एंड सेकेंड होता है पाइवोटेड कॉइल टाइप। ओके, तो इसमें भी हम स्पेसिफिकली आज सस्पेंडेड कॉइल टाइप ही कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, समझते हैं मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर को। तो बेसिकली एक मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर में एक कॉइल होती है एंड ये जो कॉइल होती है वो डिफ्लेक्ट होती है एक स्टेटिक मैग्नेटिक फील्ड में, या बोल सकते हैं आप यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में। ओके, तो इस कंडीशन पे ये जो गैल्वेनोमीटर होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। द वेरी फर्स्ट इज अ सस्पेंडेड कॉइल टाइप एंड सेकेंड इज द पाइवोटेड कॉइल टाइप। कई लोग इसको पिवोटेड भी प्रोनाउंस कर सकते हैं, बट आई विल प्रोनाउंस इट पाइवोटेड कॉइल टाइप। ओके, सो बेसिकली जो ये प्रिंसिपल एंड जो वर्किंग है, इन दोनों ही टाइप के जो गैल्वेनोमीटर में हमको देखने मिलता है वो दोनों ही सेम होता है, यानी कि सेम प्रिंसिपल पे काम करते हैं, चाहे वो सस्पेंडेड कॉइल हो या फिर पाइवोटेड कॉइल टाइप का गैल्वेनोमीटर हो। बट अगर उनके कंस्ट्रक्शन की बात करें तो वो हमको थोड़ा सा डिफरेंट देखने मिलता है। ओके स्टूडेंट्स, तो बेसिकली यहाँ पे क्या होता है कि जो सस्पेंडेड कॉइल टाइप का जो गैल्वेनोमीटर होता है उसके अंदर कॉइल को सस्पेंड किया जाता है, लटकाया जाता है, इसलिए उसका नाम पड़ता है सस्पेंडेड कॉइल। ओके, तो यहाँ पे जो एक कॉइल को सस्पेंड किया जाता है बेसिकली विद द हेल्प ऑफ फॉस्फोर ब्रोंज स्ट्रिप, यानी कि एक तरह का एलॉय है ये फॉस्फोर ब्रोंज, उसकी ही वो स्ट्रिप पे वहाँ पे लटकाया जाता है कॉइल को। लेकिन अगर हम बात करें पाइवोटेड कॉइल टाइप गैल्वेनोमीटर में, तो उस कंडीशन पे कॉइल को पाइवोट किया जाता है, फिक्स किया जाता है दो फिक्स पॉइंट के बीच में। पाइवोट का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, की एग्जैक्टली दो पॉइंट्स के बीच में फिक्स किया जाता है। जब हम आपको पढ़ाएंगे कि पाइवोटेड कॉइल टाइप गैल्वेनोमीटर क्या होता है तो वहां पे आपको इन डेप्थ में हम समझाएंगे। ओके, तो इस तरीके से जो ये पाइवोटेड कॉइल टाइप गैल्वेनोमीटर होता है ये थोड़ा सा कम सेंसिटिव होता है एज कम्पेयर टू द सस्पेंडेड कॉइल टाइप गैल्वेनोमीटर से। बट अगर हम बात करें कन्वीनियंट के फॉर्म में, यानी कि ये बोल सकते हैं कि जो पाइवोटेड कॉइल टाइप गैल्वेनोमीटर होता है वो ज्यादा कन्वीनियंट होता है एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे ले जाने के लिए, चाहे सेटअप करने के लिए, कुछ चीजों में वो बहुत अच्छा हो जाता है। ओके, तो आज हमारा जो फोकस होगा वो फोकस होगा सस्पेंडेड कॉइल टाइप गैल्वेनोमीटर पे। चलिए समझते हैं क्या होता है ये सस्पेंडेड कॉइल टाइप गैल्वेनोमीटर। तो बेसिकली स्टूडेंट्स जो ये आपको डायग्राम दिख रहा है, यही डायग्राम है सस्पेंडेड कॉइल गैल्वेनोमीटर का। यहाँ पे जो हम ये मैग्नेट लेते हैं उसको हम बोलते हैं हॉर्स शू मैग्नेट। ओके, ये हॉर्स शू मैग्नेट बोलते हैं, राइट, क्योंकि यहाँ पे जो एग्जैक्टली बोलूं तो ये कॉनकेव शेप पे बनाया जाता है, इनको इस तरीके से कटिंग की जाती है। तो यहाँ पे आपको नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल मिल रहे हैं जो कि सिलिंड्रिकल शेप में बने हुए हैं। ओके, एंड इनको कट इस तरीके से किया जाता है जैसे कि यहाँ पे आपको कॉनकेव शेप देखने मिले। ओके स्टूडेंट्स, इसके अलावा एक कॉइल होती है जो कि आपको ये ए दिख रहा है, ये ए एक कॉइल है। अगेन द पॉइंट इज कमिंग कि ये कॉइल बनती कैसे है। ओके, वही अभी हम बताने वाले हैं। तो बेसिकली इस कॉइल को सस्पेंड करते हैं, लटकाते हैं। ओके, इसको क्या करते हैं हम लटका देते हैं एक टॉर्जन हेड से। ओके, टॉर्जन हेड से इस कॉइल को, यानी कि यहाँ पे जो वायर है वो यूज कर रहे हैं, फॉस्फोर ब्रोंज की स्ट्रिप है ये, इस टॉर्जन हेड की हेल्प से हम इसको लटका देते हैं। नाउ द क्वेश्चन इज कमिंग कि ये टॉर्जन हेड क्या होता है। टॉर्जन हेड जो है वो यूज होता है कंट्रोल करने के लिए एंड पोजिशन को फिक्स करने के लिए जो ये कॉइल लटकी हुई है, यानी कि कॉइल को फिक्स करने के लिए, एडजस्ट करने के लिए, या फिर आप बोल सकते हो बैलेंस करने के लिए जिस डिवाइस का यूज होता है उसको हम बोलते हैं टॉर्जन हेड। ओके, इतना क्लियर है स्टूडेंट्स। तो सिंपली हमने इस टॉर्जन हेड की हेल्प से, एंड यहाँ पे जो स्ट्रिप यूज कर रहे हैं वो है फॉस्फर ब्रोंज की स्ट्रिप, उसके हेल्प से हमने कनेक्ट कर दिए हैं एक कॉइल को। ओके, लेकिन अगर हम बात करें इस कॉइल के सेकेंड एंड की, तो इस एंड पे एक स्प्रिंग है, यहाँ पे एसपी बोला गया है, इस स्प्रिंग से कनेक्ट कर दिया जाता है। ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरीके से ये डिवाइस है। इसमें दो चीजें मैंने आपको नहीं बताई है, टैप T1 टैप T2, वो मैं बताऊंगा आपको। बट उसके पहले अब बात आती है कि ये कॉइल बनती कैसी है। ओके, ये कॉइल कैसे बनी होती है, तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पे एक सिलिंड्रिकल शेप का एक सॉफ्ट आयरन लिया जाता है। ओके, एंड उसके बाद उसके चारों तरफ एक किसी भी मेटल का फ्रेम बनाया जाता है। आपको दिख रहा है इसके चारों तरफ एक मेटल फॉर्म बना हुआ है। अब ये जो मेटल ले रहे हैं आप, उसके लिए एक पॉइंट आपको पता होना चाहिए कि ये जो फ्रेम है, इस फ्रेम के लिए आप जिस भी मेटल का यूज कर रहे हैं वो मेटल नॉन मैग्नेटिक होनी चाहिए। यानी कि आप एल्यूमिनियम का फ्रेम ले सकते हैं क्योंकि वो मैग्नेटिक फील्ड में उसको भी फर्क नहीं पड़ता। तो कीप इन माइंड जो ये फ्रेम ले रहे हैं, ये फ्रेम आपको पता होना चाहिए कि ये नॉन मैग्नेटिक मटेरियल का होना चाहिए। ओके, इसके बाद आप कॉपर की वायर लेते हैं एंड सिंपली उसको राउंड राउंड राउंड, यानी कि वाउंड अप करते जाएंगे इस फ्रेम के चारों तरफ। ओके, एंड एट द एंड आप उसको सिंपली कनेक्ट कर देंगे इस टॉर्जन हेड से। इतना क्लियर है। एंड यहाँ से आप सिंपली एक स्प्रिंग कनेक्ट कर लेंगे जो कि सेकेंड एंड को रिप्रेजेंट करता है। ओके स्टूडेंट्स, इतना क्लियर है।
अब इसके बाद ये जो आपने वायर लिए थे राइट, जहां से टॉर्जन हेड से होते हुए गई है, एंड सिंपली आप इसको कनेक्ट कर लेंगे टैप T1 से, एंड जो स्प्रिंग से यहाँ पे जो गया है उसको आप कनेक्ट कर लेंगे टैप T2 से। अब ये टैप T1 एंड टैप T2 क्या है एग्जैक्टली? आप टैप के बदले बोल सकते हैं टर्मिनल T1 एंड टर्मिनल T2 है। ओके, क्यों हमने इसको यूज किया मैं आपको बताता हूँ। मान लीजिए आपके पास ये एक वायर थी, आपको चेक करना है सिंपली कि इस वायर में से कितनी इलेक्ट्रिक करंट जा रही है, तो आप क्या करेंगे, आप सिंपली गैल्वेनोमीटर बीच में लगा देंगे। ओके, तो जो गैल्वेनोमीटर का एक एंड है इस वायर से कनेक्ट होगा एंड सेकेंड एंड इससे कनेक्ट होगा, तो ये जो दो एंड दिख रहे हैं आपको यही टर्मिनल T1 एंड टर्मिनल T2 है। क्लियर है स्टूडेंट्स इतना? ओके, दैट्स गुड। अब बात आती है कि इस डिवाइस में अगर आपको मेजर करना है कि कितना बेसिकली इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो हो रहा है। ओके, गैल्वेनोमीटर क्यों यूज होता है? कि हम पता कर पाए कि कितनी इलेक्ट्रिक करंट सप्लाई हो रही है उस सर्किट में से, राइट? तो उसके लिए यहाँ पे एक कॉनकेव मिरर लिया जाता है। ओके, ये आपके लिए लिया गया कॉनकेव मिरर, इसका यूज होता है एंड इसको अटैच करते हैं इस एफ वायर के साथ। ये एफ वायर क्या है? ये जो फॉस्फोर ब्रॉन्ज वायर थी उसमें से ही हम इसको बीच में कनेक्ट कर देंगे। ओके, अटैच कर देंगे। अब इसको क्यों किया गया ऐसे अटैच इस कॉइल के साथ? क्योंकि जैसे कॉइल घूमेगी, कॉइल क्या होगी, रोटेट होगी, राइट? कॉइल जैसे जैसे रोटेट होगी उस तरीके से मिरर भी रोटेट होगा, तो जितना मिरर रोटेट होगा उसके बेस में हम सिंपली मेजर कर सकते हैं कि कितनी इलेक्ट्रिक करंट वहां पे सप्लाई हो रही है। ओके स्टूडेंट्स, अब सिर्फ यहाँ पे कॉनकेव मिरर से काम नहीं चलने वाला है, इसके लिए हमको एक लैंप लगेगा। ओके, एंड एक स्केल मेजरमेंट दिखेगा। इसको अरेंज इस तरीके से किया जाता है जैसे कि आपको डायग्राम में दिख रहा है कि किस तरीके से यूज होता है ये लैम्प एंड स्केल अरेंजमेंट, राइट? ये आपको क्लियरली दिख रहा है, तो इस तरीके से डिवाइस को अरेंज किया जाता है। ऐसा क्यों किया जाता है, इससे क्या बेनिफिट होगा, ये मैं आपको वर्किंग में बताऊंगा कि कैसे इस तरीके से हम इसको मेजर कर सकते हैं, बट किस तरीके से अरेंज किया जाता है वो आपको यहाँ पे दिख रहा है, राइट? एक लैम्प यानी कि जहां से लाइट आ रही है एंड किस तरीके से स्केल को अरेंजमेंट किया गया है। ओके स्टूडेंट्स, इतना क्लियर है। इसके अलावा एक और चीज आती है कि यहाँ पे स्प्रिंग क्यों लिया गया है, क्योंकि जैसे जैसे आप कॉइल को राउंड करेंगे, क्योंकि कॉइल जब राउंड होती है रोटेट करती है, इट मींस तो उस कंडीशन पे उस पर एक टॉर्क काम करता है, राइट? उस टॉर्क की वजह से वो रोटेट करती है, तो जैसे जैसे वो कॉइल रोटेट करेगी तो उसके अगेंस्ट डायरेक्शन में, ओके, उसके अगेंस्ट डायरेक्शन में रीस्टोरिंग टॉर्क भी काम करता है। रीस्टोरिंग टॉर्क क्या होता है, जैसे मान लीजिए एक कॉइल थी हमारे पास, है ना, एक कॉइल थी, इसको हमने इस तरीके से रोटेट किया, तो जैसे वो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करना बंद करेंगे तो अपनी नॉर्मल कंडीशन में भी आना चाहिए, तो उसको नॉर्मल करने के लिए स्प्रिंग यूज करता है ताकि वो रीस्टोर यानी कि अपनी पुरानी पोजिशन पे आ सके। ओके, इस वजह से हम यहाँ पे स्प्रिंग का यूज करते हैं। तो जो भी मैंने आपको इस डिवाइस के बारे में बताया है वही चीज थ्योरी में यहाँ लिखी हुई है, अगर आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब क्या करते हैं, इसके अलावा एक और चीज है, इस पूरे डिवाइस को एक बॉक्स में बंद कर देंगे जो कि नॉन मैग्नेटिक मटेरियल का होना चाहिए। ओके, और इसके अलावा वो डस्ट एयर से भी उसको प्रोटेक्ट करेगा इस पूरे डिवाइस को। ओके, इसका जो फ्रंट पोर्शन होता है वो ग्लास का बना होता है, ग्लास से कवर होता है, एंड जो बेस होता है, ये जो आपको बेस दिख रहा है यहाँ पे स्क्रूज वगैरह होते हैं ताकि आप लेवलिंग यानी कि पूरा हॉरिजॉन्टल बेस पे आप इसको सेटअप कर पाएं। ऐसा नहीं कि थोड़ा टेढ़ा हो तो चल जाएगा, ऐसा नहीं, आपको लेवलिंग के लिए वहाँ स्क्रू लगे होते हैं, देन आप उसको मेजर कर सकते हैं कि वो बराबर लेवल हुआ है या नहीं हुआ है, उस पर मेजरमेंट यूनिट्स भी होती है जिसके बेस पे आप उसको इजीली लेवल कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो ये था कंस्ट्रक्शन पार्ट ऑफ द सस्पेंडेड कॉइल टाइप गैल्वेनोमीटर, आई होप क्लियर हो गया होगा। चलिए अब बात करते हैं प्रिंसिपल की। तो जब एक कॉइल को हम फ्रीली सस्पेंड करते हैं एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एंड उसी समय अगर हम इलेक्ट्रिक करंट भी पास करते हैं, ओके, उस कॉइल के अंदर से, तो एक कपल एक्स जिसको हम टॉर्क बोलते हैं उस कॉइल पे काम करने लगता है। ओके, पिछले वीडियो में हमने आपको बता चुके हैं स्टूडेंट्स, राइट, पूरा डेरिवेशन के साथ एक्सप्लेन किए थे कि किस तरीके से अगर हम एक किसी कॉइल को एक मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखते हैं तो किस तरीके से टॉर्क काम करता है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे तो पहले आपको वीडियो देखनी चाहिए। ओके, तो ये जो बेसिकली कपल होता है जिसको हम टॉर्क बोल रहे हैं, ओके, इसके वजह से वो कॉइल जो है वो डिफ्लेक्ट होना शुरू हो जाता है क्योंकि वहां पे डिफ्लेक्टिंग कपल या फिर डिफ्लेक्टिंग टॉर्क काम करता है। ओके, एंड सिंपल उसी की वजह से वो कॉइल जो है वो डिफ्लेक्शन होना स्टार्ट कर देती है। एंड जैसे जैसे ये कॉइल डिफ्लेक्ट होगी, जैसे जैसे ये कॉइल रोटेट होगी, उसके साथ साथ जो ये फॉस्फोर ब्रॉन्ज की स्ट्रिप वायर है, ओके, वो भी ट्विस्ट होगी एंड उसके साथ साथ में वो जो स्प्रिंग लगा हुआ है वो भी क्या होगा, ट्विस्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे उस कॉइल के रोटेशन के साथ साथ यहाँ पे ट्विस्टिंग भी स्टार्ट हो रही है। ट्विस्टिंग किसमें हो रही है, फॉस्फोर ब्रॉन्ज की स्ट्रिप में एंड स्प्रिंग के अंदर, जो कि एग्जैक्टली अपोजिट काम करता है उस कॉइल के रोटेशन के डायरेक्शन के। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कॉइल पे भी टॉर्क लग रहा है पर वो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क है क्योंकि वो डिफ्लेक्ट कर रहा है एक डायरेक्शन में, लेकिन जो ट्विस्टिंग हमको देखने मिल रही है उस वायर में या फिर उस स्प्रिंग के अंदर, जो कि रीस्ट्रिंग टॉर्क के रूप में काम कर रहा है जो कि उसको अपनी पुरानी पोजिशन पर लाने के लिए
काम करता है। ओके, तो यहाँ पे कंडीशन आती है, जितना आपने उस कॉइल को रोटेट किए हैं, ओके, जितना आपने उस कॉइल को रोटेट किए विद द हेल्प ऑफ टॉर्क, उतना ही टॉर्क ट्विस्टिंग की वजह से, यानी कि अपोजिट डायरेक्शन रहेगा, तो दोनों ही इक्वल हो जाते हैं। यानी कि आप ये बोल सकते हैं ट्विस्टिंग कपल यानी कि ट्विस्टिंग टॉर्क एंड डिफ्लेक्टिंग कपल या फिर डिफ्लेक्टिंग टॉर्क, दोनों ही कैसे हो जाते हैं, बैलेंस हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं। तो अब यहाँ पे किस तरीके से वहाँ पे ट्विस्टिंग होगी, किस तरीके से होगा, तो यहाँ पे किस तरीके से ये कॉइल मूव करने वाली है, इसको हम दिखा रहे हैं डायग्राम के थ्रू, जो कि वैसे हमने पिछले वीडियो में बता चुके हैं कि रेडियल मैग्नेटिक फील्ड वहाँ पे अरेंज किया गया है, क्योंकि हमने जो यहाँ पे मैग्नेट के पोल्स लिए हैं वो आपको दिख रहा है कि कॉनकेव शेप में लिए हैं, राइट। उस वजह से इस तरह से यहाँ पे कुछ मैनेज किया जाता है, ओके, रोटेशन इस तरीके से कुछ होता है, आपको दिख ही रहा है, राइट। हम बता चुके थे टॉर्क किस तरीके से काम करता है, किस तरीके से यहाँ पे अपवर्ड डायरेक्शन लगता है, किस तरीके से यहाँ से डाउनवर्ड डायरेक्शन लगता है, ये सब पिछले वीडियो में हम बता चुके हैं स्टूडेंट्स, ओके, आप वहाँ से पहले देख के आइए, देन यू विल गेट टू नो। अब थोड़ी सी बात करते हैं डेरिवेशन के फॉर्म में, ओके। तो बेसिकली एक सस्पेंडेड कॉइल जो है हमारे पास, उसके अंदर अगर हम इलेक्ट्रिक करंट को जब सप्लाई करते हैं, ओके, तो उसको जब सस्पेंड किया गया है तो इस तरीके से किया गया है कि वो एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर होना चाहिए, ओके स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे क्योंकि हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड रेडियल है, तो हर कंडीशन पे जो ये कॉइल का प्लेन है वो पैरेलल होता है मैग्नेटिक फील्ड के, ओके। कॉइल का प्लेन एंड मैग्नेटिक फील्ड पैरेलल होने का मतलब ये है कि एरिया वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड के बीच का जो एंगल होगा वो कितना होगा, 90 होगा, ओके। एंड इस कंडीशन पे जो टॉर्क है वो कितना होता है, दैट इज टाउ इज इक्वल टू एन बी आई ए साइन थीटा होता है, ये हम बता चुके हैं। अब यहाँ पे हमेशा एरिया वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड के बीच में एंगल आपको 90 मिलने वाला है, ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ पे रेडियल मैग्नेटिक फील्ड लिया गया है। रेडियल मैग्नेटिक फील्ड में हमने आपको पिछले वीडियो में पढ़ा चुके हैं कि ऑलवेज रिमेंबर कि एंगल बिटवीन द एरिया वेक्टर एंड द मैग्नेटिक फील्ड हमेशा ही 90 डिग्री पे होता है, ओके। तो इसलिए साइन 90 हटा दिया गया है, एंड यहाँ पे सिंपली टाउ इज इक्वल टू एन बी आई ए लिया है, क्योंकि साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, ओके। एंड यहाँ पे अब बात आती है कि एन क्या है, तो एन जो है वो नंबर ऑफ टर्न्स इन द कॉइल है, बी जो है वो मैग्नेटिक फील्ड है, ओके। एंड आई क्या है, जितनी इलेक्ट्रिक करंट हमने वहाँ पे सप्लाई की है, एंड ए क्या है, एरिया ऑफ द कॉइल है, ओके स्टूडेंट्स। अब यहाँ पे हमने आपको एक चीज अभी बताया था कि दो टॉर्क होते हैं जो कि बैलेंस होते हैं, एक डिफ्लेक्टिंग टॉर्क होता है एंड एक ट्विस्टिंग टॉर्क होता है। यहाँ आप इसको ये बोल सकते हैं डिफ्लेक्टिंग कपल या फिर ट्विस्टिंग कपल, यहाँ आप इसको ये भी बोल सकते हैं डिफ्लेक्टिंग कपल एंड रीस्टोरिंग कपल, ये दोनों ही इक्वल हो जाते हैं, बैलेंस हो जाते हैं, एक कंडीशन ऐसी आती है, ओके। अब यहाँ पे बात आती है कि डिफ्लेक्टिंग कपल कितना था, दैट इज एन बी आई ए। अब बात आती है कि ट्विस्टिंग कपल या फिर आप बोल सकते हैं कि रीस्टोरिंग कपल या फिर रीस्टोरिंग टॉर्क, ये कहाँ से आएगा, चलिए समझते हैं। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे एक नई टर्म आ रही है कैपिटल सी, जिसको हम बोलते हैं टोर्जनल कॉन्स्टेंट। अच्छा, ये समझते हैं कैसे होता है, क्या होता है टोर्जनल कॉन्स्टेंट, क्या होता है जो इसको रिस्टोर करने के लिए काम करता है, राइट, जो अपनी उस पोजिशन में वापस से लेके आ जाए, हमने बताया था ना, जो कि कॉइल की पोजिशन को मेंटेन करे, यानी कि रिस्टोर करने के लिए जो काम करता है उसको हम बोलते हैं टोर्जनल कॉन्स्टेंट। अब समझिए इसका मतलब क्या होता है, तो बेसिकली यहाँ पे देखिए, जैसे रिस्टोरिंग की बात करते हैं तो रिस्टोरिंग क्यों होता है, उस फॉस्फोर ब्रॉन्ज की स्ट्रिप की वजह से एंड स्प्रिंग की वजह से, राइट। तो यहाँ पे जो स्प्रिंग है जब वो रिस्टोर कर रहा है तो ट्विस्ट होगा, जैसे अगर एक डिग्री ट्विस्ट हुआ, एक डिग्री से वो रोटेट हुआ, ट्विस्ट हुआ, तो उस पर जो रिस्टोरिंग टॉर्क काम करता है वो होता है कैपिटल सी, यानी कि आप कैपिटल सी को ये भी बोल सकते हैं पर यूनिट ट्विस्ट पे जितना कपल अप्लाई हो रहा है, दैट इज सी टोर्जनल कॉन्स्टेंट या फिर रिस्टोरिंग टॉर्क या फिर रिस्टोरिंग कपल। क्या बोलेंगे आप, पर यूनिट डिग्री के रोटेशन पे या फिर पर यूनिट डिग्री के ट्विस्टिंग पे, ओके, जितना रिस्टोरिंग टॉर्क लग रहा है दैट इज कॉल्ड टोर्जनल कॉन्स्टेंट। क्लियर, डेफिनेशन भी क्लियर हो गई कि कैपिटल सी क्या है, ओके। अगर 2 डिग्री करेंगे ट्विस्ट तो 2C हो जाएगा रिस्टोरिंग टॉर्क। अगर यहीं पे आप बात करें 5 डिग्री ट्विस्टिंग पे कितना हो जाएगा, 5C हो जाएगा। अभी हमने 5 क्यों लिए हैं, थीटा क्यों नहीं लिए, क्योंकि स्टूडेंट्स थीटा क्या होता है, हमको पता है कि थीटा जो है एरिया वेक्टर एंड द मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन के बीच का जो एंगल होता है, राइट। रिपीटिंग वन मोर टाइम, थीटा क्या होता है, एरिया वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड के बीच का जो एंगल होता है उसको थीटा बोलते हैं। तो यहाँ पे वापस थीटा यूज नहीं कर सकते, ओके। तो इस कंडीशन पे जितना एंगल ट्विस्ट हो रहा है, जितना एंगल ट्विस्ट हो रहा है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं 5 से, ओके। एंड ओवरऑल हम बात कर रहे हैं कि 5 डिग्री एंगल ट्विस्ट हुआ है, तो उस केस में ट्विस्टिंग कपल या ट्विस्टिंग टॉर्क या फिर रिस्टोरिंग कपल या फिर रिस्टोरिंग टॉर्क कितना हो जाएगा, दैट इज 5C या फिर C5 बोल सकते हैं। C5 कहां से आया, क्लियर है स्टूडेंट्स, आई होप आपको इतना क्लियर हो गया होगा। आगे देखते हैं, यहां पे लिखा हुआ भी कि C क्या है, एक कपल है जो कि पर यूनिट ट्विस्ट पे काम करता है, ओके।
अब इस डेरिवेशन से हमको पता करना है कि कुल कितनी इलेक्ट्रिक करंट सप्लाई हो रही है। तो यहाँ पे I को सब्जेक्ट बनाइए, एन बी ए को उधर भेज दीजिए, अपॉन में आ जाएगा तो जाएगा सी फाई अपॉन एन बी ए। ओके, अब यहाँ पे सी भी कॉन्स्टेंट है, ओके अभी हमने बताया ना ओरिजिनल कॉन्स्टेंट बोलते हैं इसको, एन नंबर ऑफ टर्न्स भी कॉन्स्टेंट है, मैग्नेटिक फील्ड भी कॉन्स्टेंट है, एन एरिया भी कॉन्स्टेंट है, तो इस पूरे को हम के से रिप्रेजेंट कर दे रहे हैं। तो के क्या है यहाँ पे, इसको बोलते हैं गैल्वेनोमीटर कॉन्स्टेंट, तो के इक्वल टू क्या हो जाएगा, सी अपॉन एन बी ए। ओके, तो एक कॉन्स्टेंट है। या फिर इसको और एक नाम बोला गया है, फिगर ऑफ मेरिट। क्या बोला गया है इसको, फिगर ऑफ मेरिट। तो अगर स्टूडेंट्स यहाँ पे हमको रिलेशन निकालना है, अगर इस आई एंड फाई के बीच में, यानी कि इलेक्ट्रिक करंट एंड जिस एंगल से वो ट्विस्ट कर रहा है उन दोनों के बीच में रिलेशन निकालना है, तो हम बोल सकते हैं आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फाई। तो यहां से एक चीज समझ में आ रही है कि जितना ज्यादा आप इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो करेंगे उतना ही ज्यादा ट्विस्टिंग या फिर रोटेशन हमको देखने मिलने वाला है उस वायर के अंदर, उस स्प्रिंग के अंदर। ओके, क्लियर है स्टूडेंट्स, वही लिखा हुआ है कि जितना करंट फ्लो आप करेंगे उस गैल्वेनोमीटर में से वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा उस एंगल के जितना वो ट्विस्ट हो रहा है उस सस्पेंडेड वायर पे। इतना क्लियर स्टूडेंट्स? तो यही प्रिंसिपल है जिसके बेस पे सस्पेंडेड कॉयल टाइप गैल्वेनोमीटर काम करता है। ओके, इतना क्लियर है। अब हम बात करने वाले हैं कि किस तरीके से लैंप, अरेंज स्केल एंड कॉनकेव मिरर से हम पता कर सकते हैं कि किस तरीके से हम पता लगाने वाले हैं कि कितना वहां से इलेक्ट्रिक करंट का सप्लाई हो रहा है उस सर्किट में से। चलिए देखते हैं। ओके, तो यहाँ पे लैंप एंड स्केल अरेंजमेंट के बीच का आपको डायग्राम दिया हुआ है। ओके, एंड सिंपली क्या बोल रहा है यहाँ पे, ये मिरर है। ओके, एंड ये स्केल के बीच का डिस्टेंस कैपिटल डी है। टू थीटा कैसे आया मैं आपको बताने वाला हूँ। इस स्पेस को जितना यानी कि लाइट डिफ्लेक्ट हुई है, हटी है, उसको स्मॉल एक्स डिस्प्लेसमेंट लेते हैं। एनीवेज ये सब चीज़ें मैं बताने वाला हूँ, डायग्राम बस यही है कि ये मिरर है। ओके, एंड यहाँ पे एक स्केल लगा हुआ है। एंड चलिए देखते हैं किस तरीके से इस लाइट लैंप स्केल अरेंजमेंट की हेल्प से एंड कॉनकेव मिरर की हेल्प से हम मेजर कर सकते हैं। तो उसके लिए यहाँ लिखा हुआ है कि एक्सपेरिमेंटल प्रोसीजर ऑफ करंट मेजरमेंट, यानी कि अगर आपको करंट मेजरमेंट करना है तो क्या एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा, चलिए समझते हैं। तो सबसे पहले ये जो गैल्वेनोमीटर आपने बनाए हैं, ओके, उसको आप हॉरिजॉन्टल यानी कि एग्जैक्टली बेस से लेवल से उसको हॉरिजॉन्टल पोजीशन पे मेंटेन करेंगे। ओके, ताकि ये जो कॉइल है गैल्वेनोमीटर की वो फ्रीली वहां पे रोटेट कर पाए। ओके, कहां रोटेट करेगी वो करेगी दोनों पोल्स के पीसेस के बीच में। ओके, एंड यहाँ पे जो वायर है जिससे वो लटकी हुई है वो रिमेन वर्टिकल ही होनी चाहिए, इसलिए आपको हॉरिजॉन्टल पोजीशन उसकी मेंटेन करनी पड़ेगी। ओके, अब यहाँ पे क्या करेंगे, लैंप की पोजीशन, ओके, जो लैंप है उसको इस तरीके से फिक्स करेंगे कि वो लाइट जो है इस मिरर से रिफ्लेक्ट होनी चाहिए। मान लीजिए यहाँ कहीं पे वो हमने लैंप लगा दिया, यहां से लाइट जा रही है, तो लाइट इस तरीके से जानी चाहिए कि आफ्टर रिफ्लेक्शन ये लाइट इस स्केल के सेंटर पोजिशन यानी कि जीरो पे आनी चाहिए। ये आपको मेंटेन करना पड़ेगा, आपको इस तरीके से इस लैंप को एडजस्ट करना पड़ेगा। ओके स्टूडेंट्स, वही लिखा हुआ है यहाँ पे कि आपको लाइट इस तरीके से मेंटेन करना पड़ेगा कि वो जो लाइट है वो कहाँ गिरनी चाहिए, उस स्केल के सेंटर पे। ओके, यहाँ पे लाइट जो है रिफ्लेक्शन हो रही है, लाइट रिफ्लेक्ट हो गया, यहाँ पे सेंटर पे ही आनी चाहिए, इस तरीके से आपको मेंटेन करना है। ओके, अब यहाँ पे आपको लेट करना है कि मिरर एंड ये जो स्केल है इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो कैपिटल डी है। ओके, अब समझिए एक चीज, अब यहाँ पे जैसे ही आपने इलेक्ट्रिक करंट का सप्लाई किए, ओके, गैल्वेनोमीटर में से, तो क्या होगा, कॉइल जो है रोटेट होगी। अब कॉइल जब रोटेट होगी, कॉइल रोटेट होगी तो मिरर भी रोटेट होगा, मिरर भी रोटेट होगा, इसका मतलब अब समझिए रिफ्लेक्टेड लाइट भी रोटेट होगी यानी कि डिस्प्लेस होगी। यानी पहले लाइट यहां आ रही थी जब नॉर्मल कॉनकेव मिरर एक जगह पे फिक्स था, लेकिन अब जब रोटेट होना शुरू हो गया, मान लीजिए मिरर भी रोटेट हो गया हल्का सा, तो जो लाइट रिफ्लेक्ट होके पहले यहां सेंटर पे जाई थी अब वो रिफ्लेक्ट होके यहां जा रही है, तो लाइट का जो डिस्प्लेसमेंट हुआ उसको ले रहे हैं स्मॉल एक्स। इतना क्लियर है स्टूडेंट्स? चलिए आगे देखते हैं। तो यहां पे स्टूडेंट्स हमको निकालना क्या है, एंगल ऑफ ट्विस्ट, कितना एंगल ऑफ ट्विस्ट हुआ है मिरर में। अब समझिए मिरर कितना ट्विस्ट हुआ, मान लेता हूं मैं मिरर जो ट्विस्ट हुआ है वो थीटा डिग्री हुआ है। अब समझना, मिरर ट्विस्ट हुआ थीटा डिग्री से, एंड जो डिफ्लेक्शन हुआ है, लाइट भी तो डिफ्लेक्ट हुई ना, लाइट भी तो डिफ्लेक्ट हुई ना, रे जो हुई, मतलब रे जो लाइट आ रही थी, राइट, लैंप से जो लाइट की रे आ रही थी वो भी थीटा से हुई, तो ओवरऑल डिफ्लेक्शन कितना हुआ, ओवरऑल एंगल कितना बना, तो ओवरऑल एंगल टू थीटा। वापस बता रहा हूँ, टू थीटा कैसे हुआ, थीटा एंगल से मिरर रिफ्लेक्ट हुआ, एंड थीटा ही एंगल से वो रिफ्लेक्टेड रे भी डिस्प्लेस हुई। ओके, तो ओवरऑल टू थीटा का एंगल बना। ओके स्टूडेंट्स, इतना क्लियर है? तो अब हम वापस उस डायग्राम पे देखते हैं, टेन थीटा यानी कि टेन टू थीटा का फॉर्मूला बनाएंगे। अब आप यहाँ पे देख पा रहे हैं टू थीटा का एंगल बना हुआ है, राइट, टू थीटा एंगल क्यों बना, आप समझ में आ गया आपको। अब यहाँ पे पॉइंट ये है कि टेन टू थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि
tan 2 थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा x अपॉन कैपिटल d, राइट। तो ये आ गया tan 2 थीटा इज इक्वल टू x अपॉन कैपिटल d। तो यहां पे हम मान रहे हैं कि जो डिफ्लेक्शन है बहुत छोटा होगा, राइट। आप ही सोचिए एक्सपेरिमेंट पे, ये जो डिफ्लेक्शन एंगल है बहुत छोटा होगा, तो हम बोल देंगे 2 थीटा इज वेरी वेरी स्मॉल, तो tan 2 थीटा क्या हो जाएगा, 2 थीटा हो जाएगा, राइट। तो ये जाएगा 2 थीटा इज इक्वल टू x अपॉन d, तो थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x अपॉन 2d। अब यहां पे रिलेशन देख रहे हैं हम थीटा एंड x के बीच में, तो हम क्या बोल देंगे, थीटा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x। x क्या था यहां पे, x क्या है, जितनी रिफ्लेक्टेड रे डिफ्लेक्ट हुई है, वही है ना स्टूडेंट्स, राइट। तो हम यहां पे बोलेंगे जो थीटा है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्मॉल x के। एंड हमने ये देखे थे स्टूडेंट्स, एक मिस्टेक है स्टूडेंट्स यहां पे, जो ट्विस्टिंग वाली बात हो रही है ना, ट्विस्ट हो रही मिरर, तो हमने एंगल लिए थे फाइव, तो हर जगह पे क्या हो जाएगा, टू फाइव टू फाइव टू फाइव हो जाएगा, राइट। लेट मी करेक्ट इट, ओके। तो डायग्राम में भी टू थीटा नहीं होगा, अब क्या होगा, टू फाइव होगा। इतना क्लियर है स्टूडेंट्स, फाइव क्यों हुआ, क्योंकि वहां पे ट्विस्ट हो रहा है ना, जब फॉस्फोरस की स्ट्रिप ट्विस्ट हुई जितनी भी ट्विस्ट हुई, तो ट्विस्टिंग एंगल हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं फाइव से, तो फाइव एंगल से ट्विस्ट हुआ, राइट। फाइव एंगल से ट्विस्ट हुआ तो हमको वही तो रिलेशन चाहिए था ट्विस्टिंग का ही, तो यहां पे जितना ट्विस्टिंग का एंगल होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा एक्स के साथ, ओके। एंड अभी हमने थोड़ी देर पहले रिलेशन देखे थे कि जो फाई है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कैपिटल आई यानी कि इलेक्ट्रिक करंट के, तो यहां से फाई फाई हटा करके हम बोल सकते हैं कि आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स, ओके। यानी कि जितनी ज्यादा इलेक्ट्रिक करंट हम यहां पे सप्लाई करेंगे उतना ही रिफ्लेक्टेड रे में भी हमको डिस्प्लेसमेंट देखने को मिलेगा। एंड इस तरीके से हम मेजर कर सकते हैं कि जितनी रिफ्लेक्टेड रे डिफ्लेक्ट होगी यानी कि उतनी ज्यादा इलेक्ट्रिक करंट सप्लाई हो रही है उसमें से, तो इस तरीके से हम इलेक्ट्रिक करंट को मेजर कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ लैंप स्केल अरेंजमेंट एंड द कॉनकेव मिरर, ओके स्टूडेंट्स। इतना क्लियर है, तो बस यही था सिंपल कि सस्पेंडेड कॉइल टाइप गैल्वेनोमीटर कैसे काम करता है, आई होप क्लियर हो गया होगा। चलिए अब इसके कुछ मेरिट्स एंड डीमेरिट्स की भी बात कर लेते हैं, मेरिट एंड डीमेरिट मतलब कि फायदे एंड नुकसान क्या है, ओके स्टूडेंट्स। तो बेसिकली ये जो सस्पेंडेड कॉइल टाइप गैल्वेनोमीटर होता है बहुत ज्यादा सेंसिटिव होता है, सेंसिटिव होने का मतलब ये होता है कि अगर हम थोड़ी सी भी करंट पास करेंगे तो हमको डिफ्लेक्शन ज्यादा देखने मिलता है, ओके, किसमें, गैल्वेनोमीटर में, ओके स्टूडेंट्स। एंड इस डिवाइस की हेल्प से हम बहुत छोटी करंट को ही मेजर कर सकते हैं, बड़ी करंट्स को मेजर नहीं किया सकता इसकी हेल्प से, ओके। तो बहुत छोटी करंट जैसे कि 10^-8 एम्पियर को भी हम इससे मेजर कर सकते हैं, ये उसका मेरिट हो गया। लेकिन ये इसका डीमेरिट भी हो जाएगा, डीमेरिट कैसे होगा कि बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिक करंट हम उसको मेजर नहीं कर सकते विद द हेल्प ऑफ दिस, ओके। अब यहाँ पे डीमेरिट की बात करते हैं, जिस वायर से फॉस्फोर ब्रोंज की वायर से सस्पेंड करते हैं वो बहुत ही पतली होती है, ओके, तो वो बहुत जल्दी से टूट सकती है, थोड़ा सा भी कुछ झटका पड़ा जर्क हुआ तो वो जनरली क्या हो जाएगा, ट्रांसपोर्ट यानी कि एक जगह से दूसरी जगह लेके जाए थे तो झटका लगा तो वो टूट जाती है, ओके। सेकेंड डीमेरिट है इस सस्पेंडेड कॉइल टाइप गैल्वेनोमीटर के लिए, यहाँ पे क्या होता है कि हमको लेवलिंग की बहुत जरूरत होती है, लेवलिंग यानी कि हॉरिजॉन्टल बेस पे आपको परफेक्टली उसको मेंटेन करना है, सेटिंग करनी पड़ती है, फिर लैंप स्केल अरेंजमेंट के लिए भी, ओके, कॉनकेव मिरर को भी आप एडजस्ट करना पड़ता है, सो बेसिकली यही है उसकी डिमेरिट। एंड थर्ड इज इनकन्वीनियंट है, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह आप इजीली लेके जा नहीं सकते, तो ये भी हमको प्रॉब्लम देखने मिलती है। तो इन सारी प्रॉब्लम्स की वजह से हमको एक दूसरा गैल्वेनोमीटर पढ़ना पड़ेगा, दैट इज पाइवोटेड कॉइल गैल्वेनोमीटर, ओके, जो कि हम आगे आने वाली वीडियो में पढ़ने वाले हैं। आई होप स्टूडेंट्स आपको इतना क्लियर हो गया होगा कि किस तरीके से सस्पेंडेड कॉइल टाइप गैल्वेनोमीटर काम करता है। अगर आपको हमारी वीडियो से कुछ भी सीखने मिला या नॉलेज मिला तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को लाइक जरूर करें। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।